बिहार की राजनीति में इन दिनों खूब गर्माहट है, हलचले तेज हैं, जेडीयू में भी, आरजेडी में भी और बीजेपी में भी। हालांकि इन सबके बीच में दो पोस्टर्स हैं जो खूब वायरल हो रहे हैं। दोनों में नीतीश कुमार की बड़ी अद्भुत तस्वीर दिख रही है। दोनों में जो नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है उसमें जेडीयू की तरफ से खास मैसेज दिया जा रहा है। अगर आप इन दोनों ही पोस्टर्स को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। दरअसल दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। इससे पहले जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया जिसमें केवल नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की फोटो तो गायब है। पार्टी मीटिंग से पहले ये पोस्टर एक बड़ा संकेत दे रही है। इस पोस्टर में लिखा है, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। लल्लन सिंह के इस्तीफे को लेकर बीते 2 से 3 दिनों से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह से नाराज हैं और वजह यह हो सकती है लालू यादव के बीच उनकी बढ़ती नजदीकियां। इसलिए कहा जा रहा है कि लल्लन से नाराज नीतीश उनका इस्तीफा मांग सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लल्लन सिंह को इंडिया गठबंधन में कोई रोल दे सकते हैं, इसलिए उनसे ये इस्तीफा लिया जा रहा है। होना क्या है ये किसी को नहीं पता। बस एक तरीके से देखा जाए तो हलचले बहुत तेज लग रहे हैं। हालांकि जेडीयू की ओर से बार बार ऐसी खबरों का खंडन हो रहा है। नीतीश कुमार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे पटना में जब नीतीश से मीडिया ने लल्लन सिंह को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने सारे सवाल टाल दिए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष बनने से इनकार किया और कहा दिल्ली यात्रा नियमित है। पार्टी बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल बैठक है जो हर साल होती है, मीटिंग की परंपरा है, कुछ खास नहीं है। सुन लीजिए नीतीश कुमार का बयान। तो हेलीकॉप्टर पर लैंड कर गया तो हमको जाना है। सर, अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे चिंता मत, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोगों का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास। वही जेडीयू की बैठक को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी एक बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी सब बार बार बोल चुके हैं कि ये फर्जी खबरें हैं, कितनी बार सफाई देंगे, हम लोग तो सीएम के साथ खड़े हैं, हर पार्टी की मीटिंग होती है, ये सब कुछ नॉर्मल है। जैसा कि नीतीश कुमार ने भी सेम बात दोहराई, दो लोगों को तूल देना है तो दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव का ये बयान। इंडिया अलायंस की बैठक के बाद एक बात दरअसल साफ हो गई थी कि नीतीश कुमार के लिए कोई जिम्मेवारी वहां नहीं मिलने जा रही। नीतीश ना संयोजक बनेंगे ना पीएम पद के दावेदारों में उनके लिए कोई स्कोप बचा। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अलायंस की बैठक में प्रस्तावित हो चुका है। उनके नाम पर पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस के पीएम फेस बनते रहे राहुल गांधी को भी एतराज नहीं है। पीएम पद के संभावित दावेदारों में ममता बनर्जी तो खड़गे की प्रस्तावक ही रही। अरविंद केजरीवाल ने भी खड़गे का समर्थन कर दिया और खुद को दावेदारों की फेहरिश्त से बाहर कर लिया। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार बच गए। नीतीश कुमार ने तो पीएम पद की दावेदारी ही नहीं की। ये अलग बात है कि उनके ना कहने के बावजूद उनकी पार्टी जेडीयू के नेता उन्हें पीएम फेस बनाने की जिद कर रहे हैं। इंडिया अलायंस से नीतीश की नाराजगी के कयास इसलिए लग रहे हैं कि बैठक के बाद वो मीडिया ब्रीफिंग में शामिल हुए बगैर ही वहां से लौट गए। लल्लन सिंह अगले दिन पहुंचे, उसी दिन लालू यादव और तेजस्वी यादव भी लौटे। नीतीश दिल्ली से लौटने के बाद 2 दिन तक चुप रहे। अटकलें लगी कि लल्लन सिंह आरजेडी के शीर्षस्थ नेताओं से कोई खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि ऐसे आरोप लल्लन सिंह पर बहुत पहले भी लगते रहे हैं, उनका सॉफ्ट कॉर्नर आरजेडी के प्रति रहा है। अब सवाल उठता है, अगर अटकलों में दम है तो सियासी बदलाव की संभावनाएं क्या है? पहली संभावना बस इतनी है कि नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ फिर से बीजेपी से हाथ मिला लें और बिहार में एनडीए की सरकार बन जाए। इस अनुमान को ज्यादातर लोग सही कहते हैं क्योंकि नीतीश पहले भी ऐसा करते रहे, शायद इसी वजह से नीतीश कुमार को पलटू राम की भी संज्ञा दी गई है। दूसरी संभावना यह है कि आरजेडी ही नीतीश कुमार को किनारे करके बिहार में सरकार बना ले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।